दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा छत पर बागवानी किस तरह की जाए और छत पर ही आप अपने घर में सब्जियां वगैरह फूल उगा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब जो सामान है ये बाल्टी वगैरह ये घर में उपलब्ध आसानी से हो जाती हैं। इनमें आप बड़ी आसानी से लौकी तोरी भिंडी मिर्च ये सब लगा सकते हैं। देखो आप जैसे मैंने ये बना रखा है अपनी छत पे ही ये ईंटों से, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें आप बहुत सारा अपने पौधे उगा सकते हैं। इस तरह की मैंने सिल्ली और ईंटों से ही अपनी छत पर बनवा रखा है। ये छोटे पौधे हैं मिर्च के और तुलसा जी के, ये एलोवेरा है। ऐसे ही मैंने अपनी छत पर बहुत सी चीज़ें उगा रखी हैं। इसमें हमने टमाटर के बीज अभी लगा रखे हैं, जल्दी उग जाएंगे। ये बैंगन का पौधा है, ये सदाबहार है, तुलसा जी हैं, एलोवेरा है, बहुत सी चीज़ें। अच्छा इससे एक बेनिफिट ये है कि आपको सुबह शाम एक एक घंटा इसमें देते हैं, आपका टाइम बड़ा आराम से पास होता है, बड़ा मन लगा रहता है इनमें हरियाली में। तो आप अपने छत पर ज़रूर उगाएं। ये हमने लौकी लगा रखी है, लौकी करीब 15-20 दिन हो गए इनको लगे हुए। ये वाइट गुलाब है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ लौकी जो है रस्सी की सहायता से हमने ऊपर चढ़ाने के लिए बेल को ये बनाया है। ये देखिए अभी लौकी अपनी ग्रोथ पर है, जल्दी इसमें फल आने लगेंगे, सब्जी यानी कि लौकी लग जाएगी। छत पर बागवानी किस प्रकार की जाती है इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से मैंने ये बागवानी शुरू करी। और जैसे अभी ये बैंगन का पौधा देख रहे हैं और ये जो ये कॉकपिट बनाने के लिए मैंने नारियल के छिलकों का प्रयोग किया है। ये देखिए हमने छोटी ट्रे, ये मिठाई के डब्बे की छोटी ट्रे हैं, इसमें हमने टमाटर के बीज उगा रखे हैं, ये ग्रोथ पर हैं। और ये मिर्च हैं, हरी मिर्च ये उगेंगी, ये हमने लाल मिर्च से अपने घर में ही तैयार किया है। ये 10-15 दिन का पौधा हो चुका है, अभी मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा बड़े गमले में, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये भी मिर्च के पौधे हैं और ये हमने फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र केले के छिलकों से, ये ग्रोथ में बहुत काम आता है पौधों की, ये ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में काम करेगा। ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा किस तरह बनाया जाता है। मेरे पास कई प्रकार की खाद बनाने के तरीके हैं।